दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप कुछ टेक्स्ट को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस काम को करने के लिए हमारे सिस्टम पे गूगल क्रोम ब्राउजर होने चाहिए और सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन भी रहने चाहिए। वेल, अब आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और विजिट करना है गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। पेज लोड होने पे आपको गूगल ऐप्स के आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि हमारे सामने वो ऐप्स आ जाए जिसको हम काम में लेंगे, और इन सभी ऐप्स में से आपको ट्रांसलेट ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट पेज हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब आपको सिंपली बहुत सारे टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है जिसके आप ऑडियो फाइल बनाना चाहते हो। देन कहीं पर भी राइट क्लिक करते हुए आपको जाना है इंस्पेक्ट पे। जैसे कि राइट साइड पे एक पैनल ओपन हो चुके हैं। इस पैनल में आपको कुछ सेटिंग ध्यान से देख लेना है। फर्स्ट जो है, अगर टॉगल डिवाइस टूल बार इनेबल है तो उसे डिसेबल कर दीजिए ताकि लेफ्ट साइड की विंडो हमें ठीक से दिखाई दे। ओके, अब आपको इन सभी टैब में से जाना है नेटवर्क टैब पे। नेटवर्क टैब ओपन होने के बाद इस तरह की एक रिकॉर्डिंग बटन आपको देखने को मिलेगा, और आपको मेक श्योर कर लेना है ये जो बटन है वो रेड कलर पे होने चाहिए। इसका मतलब रिकॉर्डिंग फिलहाल स्टार्ट मोड पे है। वेल, अब आपको सिंपली इस लिसन बटन पे क्लिक कर देना है। आपको वेट करना है जब तक ये लिसनिंग प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ओके, अब राइट साइड की पैनल की इस लिस्ट में से आपको ढूंढना है ट्रांसलेट अंडरस्कोर TTS नामक एक फाइल को, जिसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए ओपन इन न्यू टैब कर लेना है। और इस विंडो में से आपको सिंपली इस ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर लेना है अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन पे। अब आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हो। फाइनली हमारे जो टेक्स्ट है उसे हम एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर ली है, और साथ ही साथ उस ऑडियो फाइल को हमने डाउनलोड भी कर ली है। तो चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो थी वो एज ए ऑडियो प्ले होने लगे हैं। ये जो ऑडियो फाइल है वो TTF फॉर्मेट पे है। अगर आप चाहे तो इसे MP3 फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और वो भी VLC मीडिया प्लेयर को यूज करते हुए। कैसे करना है जानने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करें, जिस वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से आप एक MP4 फाइल को MP3 फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको उसी वीडियो को एज इट इज फॉलो करना है, जस्ट MP4 फाइल के जगह आपको TTF फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से हम टेक्स्ट को एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं, और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।